वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के एक वकील ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि एक्टर किच्चा सुदीप के फिल्मों के टेलीकास्ट पर रोक लगना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि किच्चा सुदीप ने कल ही अनाउंस किया कि वो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करेंगे, खास तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री बम्बई के लिए। और हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। इमरान, हालांकि किच्चा सुदीप जो है वो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं बम्बई के लिए कैंपेनिंग चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ ये अब चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इस वकील ने मांग की है कि न सिर्फ उनके फिल्म पर बल्कि जो उनके टीवी शोज हैं, जो एडवर्टीजमेंट वो करते हैं, इन तमाम चीजों पर बैन लगना चाहिए। शिमोगा के शहर के वकील ने शिवपाल सिंह ने यह पत्र इलेक्शन कमीशन को लिखा है और कहा है कि क्योंकि किच्चा सुदीप ऑफिशियली जो है बीजेपी के लिए कैंपेन करेंगे आने वाले चुनाव में, तो जब तक चुनाव ना हो जाए उनकी 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 मूवीज और उनके एडवर्टाइजमेंट्स और जो टीवी पे जो आते हैं उनके प्रोग्राम्स, उसको तब तक बैन किया जाए ताकि ये इन्फ्लुएंस करेगा वोटर्स पे। उनका मानना है कि जब ये कानून सब पे जारी होना चाहिए, और क्योंकि किच्चा सुदीप एक इतने पॉपुलर एक्टर हैं और वो कह रहे हैं कि वो भाजपा के लिए कैंपेन करेंगे, तो उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स और उनकी जो टीवी पे आने वाली मूवीज हैं, और जब तक रिलीज अगर कोई मूवी है तो उसको भी स्टॉप किया जाए जब तक इलेक्शन ना हो।